life, and today I've come up with a very informative video on post-operative adhesions. So in this video I will explain you guys what are adhesions and adhesions कैसे develop हुए मुझे. I developed adhesions during my first cesarean which happened in 2017. 2017 में मुझे adhesions develop हुए थे. So first of all I will explain you guys what are adhesions. So basically मैंने एक slide भी share करी है जिसमें आप देख सकते हैं adhesions क्या होते हैं. Adhesion is a band of scar tissue or fibrous tissue bands which developed after any surgery. In my case, it was cesarean. It basically binds two tissues or organs together, which is mostly painless. So, अब ये diagnose कैसे हुआ और मुझे क्या symptoms आए थे, I will share with you all in this video. एक्चुअली एडिशंस को डायग्नोस करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज वो किसी अल्ट्रासाउंड में तो आ नहीं सकते हैं. सो वट वर माई सिम्टम्स एट दैट टाइम आई विल शेयर दैट. सो इन माई केस वेन एवर आई यूज़ टू वेकअप मुझे क्या स्टमक ब्लोटेड फील होता था, गैस फील होती थी स्टमक में. और जब हम ट्रैवल करते थे बाय कार, जनरली हम बाय कार ही ट्रैवल करते हैं और जर्नीज़ भी होती है लाइक 10 आवर्स 12 आवर्स की जर्नीज़ होती थी विदाउट ब्रेक समटाइम्स. सो उसमें क्या होता था, मुझे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होने लग गए थे और मुझे पानी नहीं सूट हो रहा था कहीं का भी. अब मैं हनुमानगढ़ जा रही थी तो वहाँ का पानी नहीं सूट हो रहा है, जयपुर का पानी नहीं सूट हो रहा था और अहमदाबाद का भी पानी नहीं सूट हो रहा था. मतलब मुझे पानी नहीं सूट हो रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो पानी चेंज कर देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था. तो मैंने हर जगह जहाँ पर भी जाती थी बिस्लरी कैरी करती थी और यहाँ पर भी अहमदाबाद में भी बिस्लरी का पानी ही पी रही थी. ठीक है, क्योंकि एक साल आप मानोगे नहीं, मुझे 6 मंथ्स में मैं ऑलमोस्ट हर मंथ डॉक्टर के पास गई हूँ. ठीक है, डॉक्टर की फ़ीस वाज लाइक 1200 फ़ीस थी. सो उनकी फ़ीस वाज लाइक 1200 फ़ीस थी और मैं हर महीने 1200 दे के जा रही थी. फिर इन द एंड उन्होंने फ़ीस लेना ही बंद कर दिया. उनको लगा कि हाँ ये तो पागल लड़की है, रोज़ आ रही है. सो द डॉक्टर ही टोल्ड मी दैट मेरा कुछ ब्लैडर का पार्ट है जो कि मेरे यूट्रस की वॉल के साथ स्टिक हो गया. पूरा तो मुझे नहीं पता था क्या था, बट वो इतना सा था लेफ़्ट साइड में जहाँ पे मुझे एडिशन डेवलप हुआ था. सो उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है. तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसे विमेंस हैं जिनका जैसे मेरे केस में क्या था कि मेरा फर्स्ट सिजेरियन में एडिशन डेवलप हुआ. अब सेकेंड जो कि 2021 में मेरा सिजेरियन हुआ है क्योंकि मेरा दूसरा बेबी हुआ है, तो उसमें वो चीज़ रिमूव कर दी. ना ये वीडियो मैं बेसिकली उन वुमेंस के लिए बना रही हूँ जिनका सिजेरियन हुआ है, सेकंड और थर्ड सिजेरियन हो चुका है और उनको एडिशंस डेवलप हुए हैं. तो हो सकता है ये फ्यू टिप्स उनको हेल्प कर पाए, लाइक हाइड्रेटेड रहना एंड कम क्वांटिटीज़ में खाना और एवरी 2-2 आवर्स में आपको खाना है और आपको एक्सरसाइज अपने इंक्लूड करना है अपने रूटीन में. Then he suggested me few tips which I followed like religiously and they helped me a lot. So first he told me was to eat in lesser quantities and eat in every 2-2 hours. आप थोड़ा कम खाओ बट हर 2-2 घंटे पे खाना है, एक साथ में बल्क में आपको नहीं खाना है. So this was the first tip and then he told me to stay hydrated. So hydration as we all know it's always helpful for our stomach health. So staying hydrated helped me. So these things helped me a lot during that. तो आप मानोगे नहीं कि सिर्फ वो जो खाने वाली बात थी ना कि आप कम खाओ और लेस क्वांटिटीज़ में खाओ, उसके बाद आप मानोगे नहीं कि मैं पूरा 2 साल मुझे कोई डॉक्टर की विज़िट नहीं लगी है, कोई मतलब मैं डॉक्टर के पास गई ही नहीं. बट फिर भी ठीक था कि मतलब मेरे माइंड में तो सेट था ही कि एडिशंस है इसलिए मुझे नेक्स्ट बेबी प्लान करना ही था. एक्चुअली आई एम अ सिंगल गर्ल चाइल्ड और मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा है कि हाँ मतलब मेरे पहले अधीरा थी तो मुझे ये था कि बस ये इनफ है. बट अगर वो एडिशंस डेवलप ना होते तो वो अधीरा ही होती. बट वो एडिशंस डेवलप करने के लिए मुझे दोबारा सिजेरियन कराना पड़ेगा इस. सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप कुछ विमेंस होती है जिनके केस में आप दोबारा सिजेरियन नहीं हो सकता है या उनका थर्ड सिजेरियन में एडिशन डेवलप हो गया या कोई और सर्जरी है जब एडिशन डेवलप हो गया. तो ये कुछ टिप्स हैं जिनकी वजह से या जो आपको हेल्प कर सकते हैं. सो That's why I'm sharing this video with you all. And yes guys, please like, share and subscribe to our YouTube channel, All Things Life Vlogs. Bye.